और शराबबंदी शराबबंदी मैंने बताया ना, प्रतिदिन ये सरकार 55 से 60 करोड़ रुपया का नुकसान करा रही है। पूरा का पूरा हमारा जो चौधरी समाज है, पासी समाज है, उसके लाखों लोग सब जेल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमलावर होते नजर आते हैं। लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते कटाक्ष करते नजर आते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद आपको बताया कि सुर्खियों का मुद्दा बन जाता है। ऐसे में आरसीपी सिंह नालंदा पहुंचे हैं जहां वो बिहार के शराबबंदी कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कर। शराबबंदी मैंने बताया ना, प्रतिदिन ये सरकार 55 से 60 करोड़ रुपया का नुकसान करा रही है। पूरा का पूरा हमारा जो चौधरी समाज है, पासी समाज है, उसके लाखों लोग सब जेल जाते हैं, गरीब गुरबा लोग जेल जाता है, तो सरकार का तो 55 से 60 करोड़ का नुकसान है ही, साथ बिहार की जो जनता है उनको केस में मुकदमों में उनका भी करोड़ों का नुकसान है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में जदयू कमजोर हुआ है, क्या लगता है? देखिए, जदयू कमजोर हुआ इसका तो सामने आपके सामने साहब आ ही गया। पहली बार इनके नेतृत्व में चुनाव इन लोगों ने लड़ा, और ये बात जरा समझिए। आरसीपी सिंह का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाना गाते रहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू है, लेकिन जो अगर हम ग्राउंड की बात करें तो इसकी पूरी विपरीत स्थिति नज़र आती है। आपको बताएं कि आरसीपी सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को रोक देनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो पर्यटक जो बिहार में आते हैं वो डरते हैं और साथ ही साथ इससे बिहार सरकार की रेवेन्यू नहीं आ पा रही है। तो सुनिए किस प्रकार आरसीपी सिंह नालंदा पहुंचे हैं और वहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार बिहार के शराबबंदी कानून पर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इसका चीज की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक जो आप बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार और ये रहेगा साहब, और इसको हमको दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए। इसमें कभी प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी वहाँ पद्धति है, उसको अपनाना चाहिए। और यहाँ सबसे मैंने बताया कि जो गवर्नेंस में जो सबसे अभी जो सबसे कमजोर है वो है अनुसरण, कि नीचे तक जाकर के कोई इसको देख नहीं रहा, किसी को डर ही नहीं है जी। नीचे स्तर पर क्या हो रहा है कोई उसकी रिपोर्ट ही नहीं लेता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर पर चलिए जरा सा, आप पता कर लीजिए। मुझे कल ही एक साथी ने बताया कि सबसे ज्यादा बिहार में भी किस चीज़ की चोरी हो रही है, तो मोटरसाइकिल। वो काहे चोरी हो रही है? उसका भी लिंक शराबबंदी से, जो जितने अवैध शराब वाले लोग हैं उसी तरह के मोटरसाइकिल पर अपने शराब को ले जाते हैं। एक साथी था हमारा नालंदा का, उसका मोटरसाइकिल चोरी हुई, उसने फायर कराया, अच्छा किया। कहाँ पकड़ाया? तो साहब वहाँ लखीसराय में, उसमें शराब की बोतलें रखी हुई। तो भाई आप जरा समझिए कि जो आप जिसको आप बना रखे हैं कि नहीं साहब एकदम शराबबंदी से पूरा बिहार का बिल्कुल जो है नव निर्माण कर देंगे, साहब वो बिहार को गताल खाने में लिए जा रहा है। हमको उस चिंता इस बात की है ना कि हमारा रिसोर्स कुछ नहीं स्टेट का बच रहा है। सड़कों की हालत आप जरा देख लीजिए, हम तो रोज जाते रहते हैं, फिर परसों जाना है। हमारे पास कल ही लोग आए थे, कहा कि सर सड़क इतनी खराब है कि जो 20 मिनट का टाइम लग रहा है उसमें लगेगा कम से कम 40 मिनट। तो पहले बिहार में ग्रामीण सड़कों की हालत क्या थी, उससे बदतर हो गई है जी। तो उसके लिए संसाधन चाहिए। संसाधन कौन है, मैं तो बार बार पूछता हूँ। और एक बात और जरा जान लीजिए कि आज आप देखिए, मैंने कहा कि भाई भारत हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया दुनिया का मजबूत। हमने देखा कि गुजरात भी कह रहा है कि सब हमारा $1 trillion की इकोनॉमी होनी चाहिए, वो हमारा उत्तर प्रदेश भी कह रहा है $1 trillion की इकोनॉमी होनी चाहिए। हम नीतीश बाबू से कई बार बोल चुके हैं, पूछ रहे हैं कि आप भी बिहार का रोडमैप बताइए ना कि कब तक हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, कब हम भी कहेंगे कि नहीं हमारी भी भारतवर्ष में हमारा जो संख्या के अनुपात से जो हमारा हमारा आबादी है। तो चलिए, इस खबर बस इतना ही। और वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।